I found a place, a very good liquor store here in nearby the Dorchester area. And actually इनके पास बहुत अच्छी collections है, beer की, whiskey की, rum की, each and everything is too good. चलो आपको एक tour देते हैं आज अमेरिका में alcohol कितने का कैसा मिलता है. Starting from this side, यहाँ पर सब ये energy drinks, Pepsi और Gatorade वगैरह हैं. And अगर हम बीयर्स की बात करें यहाँ पे ना, मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो जैसे कोरोना भी मिलती है, बडवाइज़र भी मिलती है, यहाँ पे मिलती है, बट यहाँ पे जो बीयर्स मिलती हैं वो फ्लेवर्ड वाली भी मिलती है. जैसे दिस इज़ मार्गरीटा, लाइम, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, एंड छोटे छोटे भी हैं. दिस वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 9.9% ऑफ एल्कोहल. और अगर 9.5 और भी बहुत सारी मैं आप देख रहा हूँ अभी आपको, जैसे मैं कोरोना का दिस इसका मैं प्राइस देखूं तो, एक्सक्यूज मी, हाउ मच दिस फॉर? 399 में आपको 24 औंस की एक बड़ी कैन मिल जाएगी $399 के अंदर. एंड बडवाइज़र, बहुत सारी बियर्स हैं यहाँ पे, बियर्स आप देख सकते हैं. बड लाइट, बडवाइज़र की बड़ी कैन में. एंड दिस इज़ सम आइस टी मिक्स्ड विद सम अल्कोहल एंड दिस टेस्ट्स गुड. बाकी यहाँ पे देन आ जाते हैं आपके जैक डैनियल कोक भी है इनके पास, बड लाइट के छोटे कैंस भी हैं. एंड फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, और ये सब इन्होंने फ्रिज में रखे हुए हैं. सेम फिर यहाँ पे ये सब मिक्सिंग वाली चीज़ आ जाती है कॉकटेल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है. एंड वहाँ पे सिर्फ पाइंस के हैं और वो फ्लेवर्ड वाली, उसके अंदर बियर्स भी हैं और वाइन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास. आपने टिप्सी बारटेंडर देखा होगा, उसकी वीडियो देखा होगा, जो वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ. जैसे स्मॉन ऑफ आइस वो बहुत यूज़ करता है, पिंक, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है. यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है वैसा. तो आपको वैसा कुछ पार्टी के लिए अरेंज करना हो कभी तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस स्टोर. मैं इसका स्टोर का आपको बता दूंगा, लोकेशन बता दूंगा एग्जैक्ट कहाँ पर है ये. बाकी इस दिस सेक्शन में यहाँ पे सारे स्नैक्स हैं एंड ये सब फिर वही मिक्सिंग वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है. और ये सब वाइन्स वगैरह, वाइन आई पर्सनली डोंट लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब बट या ठीक है, मतलब रोज़ वाइन वगैरह है यहाँ पे. एंड बॉटल्स देखो कितने बड़े बड़े हैं. यहाँ पे भी सेम पूरा फ्रिज भरा हुआ है बियर्स से, पाइंट से, डिफरेंट डिफरेंट सारी हर तरीके की बियर्स है इनके पास. एंड ये पूरा सेक्शन आपका वाइन्स का है. इधर इधर आपको पता ही होगा अमेरिका के अंदर वाइन बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, मतलब हर रेस्टोरेंट के अंदर आपको वाइन तो मिल ही जाएगी. तो अगर मैं ऐसे शो करूँ आपको, जस्ट एक लुक दूँ, तो आपको ये कुछ मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली वाइन देखें हम, सिमी रेबल कास्क, $14.9. आप जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ INR के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसको आप 83.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, उतने डॉलर्स को विल एंड अप गेटिंग इंडियन प्राइस ऑफ दैट बॉटल. और ये सेमी वही मैंने अभी दिखाई आपको. देन यहाँ पे और कोई देखो, जैसे डिकॉय $32.9 की है, नाइस, 25.9 मियोमी. और कोई जो वाइन मेरे को ही पता हो मैं वो ढूंढ रहा हूँ. ओके, यहाँ पे मेरे को अभी कोई वाइन नहीं दिखी जो मेरे को भी पता हो. सब अमेरिकन वाइन है यार, यहाँ पे मुश्किल है, बट यहाँ पे वो तो होनी चाहिए यार. हाँ, ये मेरे को पता है, मार्टिनी एंड रूसी $15.9 की है. दिस इज शैम्पेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स्ट्रा ड्राई, यस यस यस. और कितने, अच्छा ये रही मॉइट एंड चंदन, अभी उस वाले जब एरिया में जाएंगे तब दिखाएंगे वो वाली. बाकी जो मेन सेक्शन मेरे को लगता है वो है विस्की का, जिन का, वोडका का, या फिर रम का. तो वो स्टार्ट करते हैं हम बहुत अच्छे से, ठीक है. एंड टकीलाज भी हैं यहाँ पे, जैसे टकीला सिल्वर पैंथर है इनके पास $54.9 का. और टकीला ये दूसरे वाला है रेपो साडो पैथर $59.9 का है. एंड कैमेरीना टकीला $20.26.9. और
इसको ओस्कोरवे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, प्लीज़ मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना. 24.9, दिस इज़ समथिंग मैक्सिकन. एंड टकीला, टकीला और कौन सा टकीला है इनके पास, ये सब मिक्सिंग वाले चीज़ें हैं जिनको आप मतलब टकीला और जो ड्रिंक बनाते हैं ना कॉकटेल वगैरह, जैसे टिप्सी बार्टेंडर बनाते हैं बड़े बड़े कंटेनर के अंदर रख के, वही सारी चीज़ें हैं ये. ठीक है, कैसा मैक्सिको, $34.9, कुडिको टकीला $69.9, ओ दिस इज़ एक्सपेंसिव, दिस इज़ एक्सपेंसिव. वाओ, बॉम्बे सफ़ायर $29.9 का आपको 750 ml का बॉटल मिल जाएगा. ये पूरा फुल बॉटल है, ये 1.75 लीटर की बॉम्बे सफ़ायर है $47.9 की. बीफ ईटर ट्राइजिन है, ये भी $37.9 की आपको 1.75 लीटर और 750 ml 26.9 ml की मिल जाएगी. बाकी गॉर्डन से आ जाती है फिर 16.9, 750 ml और 26.9, ये इसमें 40% अल्कोहल है. और इसकी क्वांटिटी कितनी है, नेट 1.75 लीटर ही है. तो जितनी भी बड़ी बॉटल्स हैं यहाँ पे सारी 1.75 लीटर ही हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ. अबे भाई क्या चला गया, बकार्डी गोल्ड, ओके बकार्डी गोल्ड 750 ml $16.9 और फिर $1.75, दिस इज इस पर प्राइस क्यों नहीं है 25.9, ओके दिस इज़ ह्यूज यार, दिस इज़ रियली ह्यूज. एंड बकार्डी सुपीरियर आपको नॉर्मल वाली बकार्डी $16.9 की मिल जाएगी 750 ml और बड़े वाली 1 लीटर मिल जाएगी $19.9. बीफ हीटर मैंने आपको दिखा दी. टैंकरी जिन यहाँ पर है $26.9 750 ml, हैंडिक्स का छोटा भी है बड़ा भी है. ओके टैंकरी जिन इज 26.9 एंड हैंड्रिक्स 750 ml 46.9 और बड़ी बॉटल 69.9. सो गुड, बकार्डी के सारे फ्लेवर है, ये मैंने पहली बार देखा है, ये भी मैंने पहली बार देखा है, ये मैंने पहली बार देखा है. पाइनएप्पल रेस्पबेरी कोकोनट नहीं देखा था मैंने. लेमन तो अपने दिल्ली में मिलती है $16.9 की 750 ml, ये सारी अलग सेम फ्लेवर, मतलब अलग अलग फ्लेवर सेम प्राइस है लेकिन. और जेम्सन ब्लैक बैरल की बात करें तो $43.9 एंड क्रैकन यहाँ पे है गोल्ड स्पाइस रम और एक ब्लैक स्पाइस रम, दोनों का सेम प्राइस है $21.9 और बड़ी वाली भी क्रैकन है $29.9. और जेम्सन यहाँ पे मिलती है ऑलमोस्ट $35, $34.99 की 750 ml और $59.99 की 1.75 ml. ओके नाइस, जेम्सन ऑरेंज भी है यहाँ पे, ये मैंने पहली बार देखी है भाई. ये है $34.9 और बड़े वाली $59.9. नाइस नाइस नाइस, मेकर्स मार्क एंड ऊपर ऊपर अभी टकीला ही है. आयरिश विस्की है टोला मोर ड्यू 15.9, उसका छोटा वर्जन 35.9. जितनी भी छोटी बॉटल्स हैं वो 750 ml की हैं और जो बड़ी हैं वो 1.75 लीटर्स की हैं. ठीक है, मंकी शोल्डर नाइस $39.9 750 ml, हुडसन विस्की $59.9, शॉर्ट स्टैक डू द राइट थिंग इज 46.9 एंड देन वाइल्ड टर्की इज 32.9, वाइल्ड टर्की बर्बन 25.9, मेकर्स मार्क फ्रेंच ओक और ये केंटकी, फ्रेंच ओक इज 47.9, केंटकी इज 39.9 और ये केंटकी का बड़ा वर्जन 64.9. जेम्सन दिखा दिया आपको, थॉमसन, ये जिम, ओके दिस इज़ वेरी फेमस जिम बीम $21.9 और जैक डैनियल्स आपकी स्टार्ट हो जाती है अमेरिका की सबसे फेमस बर्बन विस्की. इट्स सेम प्राइस विद एप्पल, टेनेसी, टेनेसी फायर एंड आपकी ओरिजिनल, तीनों ही $28.9, $28.9, $28.9 एंड बड़ा $50 का है ऑलमोस्ट 1.75 लीटर्स का. नाइस, और उसका भी बड़ा वाला भी सेम है एकदम. और जिम बीम की अगर हम बड़े की बात कर ले तो $38.9 की है. नाइस नाइस कलेक्शन. ओके बुलेट बर्बन $69.9, ग्रांड्स भी हैं यहाँ पे $37.9 में आपको मिल जाएगी 1.75 लीटर्स एंड रेड लेबल का छोटे वाला $28.9
750 ml, और रेड लेबल का बड़े वाला बॉटल इस $38.9, ब्लैक लेबल इस $39.9, एंड इसका एक गिफ्ट वर्जन भी है जिसके अंदर शायद ग्लासेस होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऊपर ओके मैकलन इज 189 15 years 189 एंड 12 years ओल्ड 84.9। भाई दोनों में डिफरेंस देखो, 12 साल वाली $85 की है ऑलमोस्ट, 15 साल वाली $190 की है, ऑलमोस्ट डबल। शिवास रीगल ओके, शिवास रीगल के साथ ये छोटा सा मिनिएचर भी दे रहे हैं। शिवास रीगल का प्राइस है 12 years है $38 की, हाईलैंड पार्क डबल ब्लैक $59.9, ब्लैक लेबल लेकिन ये 1.75 लीटर है तो $80, ग्रीन लेबल है $69.9। और कहलुआ ये कॉफ़ी एंड रम लिक्वर है, ये $53.9 की है, रम चाटा लिमोन डिसेरानो आप ये मेरे को पता है $36.9, पता इन द सेंस मैंने ट्राई की हुई है। ओके यहाँ पे फिर बेलीज है एंड फायरबॉल आ जाता है, बेलीज यहाँ पे $32.9 की है एंड फायरबॉल इस $29.9। देन यहाँ पे ये सारे के सारे देखिए और आ जाते हैं, मालिबू और लेमन से ले भाई, इनके नाम बहुत टफ होते हैं अलग अलग से। ग्लेन मोरांजे $69.9 14 years एंड जूरा इज $89.9, मिडिल वेस्ट इज $99.9, डालमोर इज $69, बुशमिल इज $62.9 एंड बुशमिल दूसरे वाले इज $52.9। एक 10 साल है एक 12 साल है। ओके सबसे महंगी अभी तक मैकलन ही दिखी है मेरे को, मैकलन इज $190 ऑलमोस्ट, अभी तक इससे महंगी नहीं दिखी, बाकी अभी एक बार हम पूछ लेंगे। और यहाँ पे देन स्टार्ट हो जाते हैं आपके सारे वोट कार्स, ये पूरी की पूरी लाइन विस्की की थी और जिन की थी टकीला की थी, अब यहाँ पे सारे के सारे वोट का हैं। वोट का की बात करें तो एम्स्टरडैम आपको मिलता है $13.9 का 750 ml, और बड़ा भी है कोकोनट भी है $20.9, एब्सोल्यूट $35 एंड टीटोज हैंडमेड वोट का इज $32 $1.75। ये बड़े वाला एब्सोल्यूट था, छोटा एब्सोल्यूट इज $22, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट के सारे फ्लेवर्स हैं, पियर्स मैंने कभी नहीं सुना, वनीला सुना है, मैंडरिन सुना है, पियर्स सुना है, ठीक है। और स्वेत का वोट का इज $20.9 एंड छोटे वाला इज $13.9, और इसमें फ्लेवर वोट का भी है स्वेत में सारे के सारे। यहाँ पे सब ये नीचे फ्लेवर सोडा हैं, और फिर आपके फिर दोबारा से ये फ्लेवर स्वेत का हैं $20.9, ब्लू रास्बेरी मैंगो पाइनएप्पल सेम प्राइस, सेट्रॉन इज ऑल्सो सेम प्राइस, केटल वन बड़े वाला बॉटल कितने का है $40, केटल वन छोटे वाला इज $22.9 एंड ग्रे गूज आपको यहाँ पे मिलता है $35.9 और बड़े वाला ग्रे गूज $70 ऑलमोस्ट। किरॉग भी है इनके पास $37.9 एंड किरॉग में सारे फ्लेवर हैं कोकोनट मैंगो एंड सबके ऑलमोस्ट सेम प्राइस हैं, ऑलमोस्ट ही सेम ही प्राइस हैं, कोकोनट मैंगो रेडबेरी पाइनएप्पल एप्पल पीच। उसके बाद आपकी बहुत कॉमन स्मर्न ऑफ $50.4 में 750 ml, और ये वनीला फ्लेवर है, ग्रीन एप्पल वाटरमेलन वाटरमेलन $15.4, नाइस कलेक्शन, वाटरमेलन मैंने कभी नहीं देखा था, वाटरमेलन मैंने अभी देखा है। ओके सब सारी वैसे चीज़ें हमने कवर्ड कर ही ली है। ओके लेट मी आस्क, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट टेल मी विच वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल यू हैव इन योर स्टोर, आई आस्क हिम टू टेल मी। ओके ब्लू लेबल हाउ मच दिस फॉर, ओके सो ओके ब्लू लेबल भाई यहाँ पे छुपी पड़ी थी, हमें रैक्स में कहीं नहीं देखी। ग्लेनफिडिच वगैरह भी हैं यहाँ पे 14 years 15 years, एबलॉर भी है, एबेलविनी भी है, मॉइटन चंडन के महंगे वाले सारे के सारे जो आपके शैम्पेन्स होते हैं यहाँ पे हैं। वैसे ब्लू लेबल इज 200 something एंड ब्लैक लेबल दिखा दी, ग्रीन लेबल दिखा दी, ग्लेनफिडिच 15 years इज 89 और मैकलन मैंने 15 वाली का आपको प्राइस बता ही दिया है। सो या काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास डेसेरानो। वी टॉक अबाउट स्मॉल बॉटल्स,
या फिर मिनीचर्स, तो मिनीचर्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। जेमसन का है, जैक डैनियल का है, एंड प्राइस मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस पर। और यहाँ पे सब ये क्वार्टर्स भी हैं इनके पास बहुत सारे। जैसे मैं जेडी का वो पूछता हूँ आपका, क्या कहते हैं मिनीचर, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ जेडी मिनीचर। व्हिच वन? हाँ दिस वन ओरिजिनल नंबर 7 या 359? ओके 359 के अंदर आपको 60 ml का एक बढ़िया जेडी का वो मिल जाएगा, एंड वो सारे फ्लेवर का सबका एक ही होगा। मैं सबके प्राइस नहीं पूछ सकता भाई, अनाए हो जाते हैं यहाँ पे लोग जल्दी। बाकी सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोर। अभी मैं बाहर से आपको दिखा दूंगा, काफ़ी अच्छा स्टोर लगा मेरे को, कलेक्शन अच्छी लगी। एक्चुअली मैं यहीं से जा रहा था, मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं अपना, अपनी ये वाली वीडियो थोड़ी सी चल जाती है। ओके गुड नाइट। हाँ जी वीडियो शूट कर लिया है, बस चलते हैं अपने काम से, फिर चलेंगे घर। लेट्स गो।